हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो रोज़ आप मेरी एक्टिविटीज़ देखते ही रहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्टेटस पर। आज देखिए हमने कितना मज़ा किया है अपनी एक्टिविटी के साथ साथ। आज बच्चों का मैंने डांस कंपटीशन भी रखा था। ये देखिए पेरेंट्स भी कितना एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी इतना एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो देखिए मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं और कितना मज़ा आता है। हमें भी लगता है कि हमारा बचपन वापस आ गया है। आज मेरी ऑनलाइन क्लासेस में डांस कॉम्पिटिशन भी था। हम इंजॉय करते हैं, इतना फन करते हैं कि बच्चों को भी लगता है कि बिल्कुल हम सारे बच्चे एक साथ ही हैं। क्लास में जैसे हम एक्टिविटी करते हैं वैसे ही ऑनलाइन क्लास में भी वो बहुत इंजॉय करते हैं। पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं क्योंकि गर्मी है और कन्वेंस की भी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस बहुत सूट करती है क्योंकि बच्चे क्रिएटिव तो होते ही हैं, नई चीज़ें भी सीखते हैं क्रिएटिविटी के साथ। देखिए कितने मस्त होकर बच्चे डांस कर रहे हैं, उनकी स्किल भी बढ़ती है। समर कैंप एक बेस्ट ऑप्शन होता है बच्चों की जो एक्टिविटी है उसको बूस्ट करने के लिए, उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए। यहाँ से ही पता चलता है कि बच्चों में क्या स्किल्स हैं और वो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैं एजुकेशनल एडवाइज़र भी हूँ, काउंसलर भी हूँ, तो इसलिए मैं स्किल डेवलपमेंट की बात करती हूँ। बच्चों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का पूरा मौका देना चाहिए। देखिए कितने मस्त होकर डांस कर रहे हैं, वाकई मैंने तो बहुत इंजॉय किया बच्चों के साथ साथ। ये देखिए मैं भी डांस कर रही हूँ, अपना बचपन देख के कितना अच्छा लगता है। ऐसे बच्चे भी नेगेटिविटी से दूर रहते हैं और उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स बूस्ट होती हैं और कुछ नया करने के लिए भी वो भी सोचते हैं। और उनको एक डिसिप्लिन रहता है, उनको पता है कि ऑनलाइन क्लास है नहीं तो समर वेकेशंस में वो लेजी हो जाते हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती है। स्कूल में तो कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह से उनकी एक्टिविटी भी बूस्ट होती है और वो बोर भी नहीं होते हैं और पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं क्योंकि उनको स्कूल का हॉलीडेज होमवर्क भी मिला होता है, पढ़ना भी होता है, तो एक रूटीन और एक डिसिप्लिन उनकी बनी रहती है। इसलिए आपको बच्चों की स्किल को पहचानना चाहिए और इस टाइम उनको बूस्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और नई नई चीज़ें सीखें। ये देखिए हमने कितना फ़न किया, बच्चों ने इमोजीज दिए, खुश हुए। आज मैंने उनसे रिव्यू लिया, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आवाज़ भी उनकी ली थी लेकिन वो आ नहीं रही है। और ये देखिए कितने सारे इमोजीज भेजे और मैंने भी उनको भेजे हैं, हार्ट्स वगैरह स्क्रीनशॉट लिया है। कितना एंजॉय हम करते हैं, प्यार और रिस्पेक्ट मिलती है जो एक टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।